हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी मैं सो के उठी हूँ एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइक मेरा फेस का जो रूटीन होता है मॉर्निंग में क्या होता है। ओके तो मैं यहाँ पे फेस वॉश करके आ गई। मेरा यहाँ पे फेस वॉश कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ टोनर। सबसे पहले मैं टोनर ही अप्लाई करती हूँ, वहाँ पे पड़ा हुआ है। ये रहा मेरा टोनर, मैं मिनिमलिस्ट का यूज़ करती हूँ, यू कैन यूज़ एनी। ये तो मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ। वैसे पैट पैट तो करते ही हैं टोनर में, आपको तो पता ही होगा, ताकि तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ना पूरा अंदर तक। तो अब हम सीरम अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे ये पिलग्रिम का यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ऑब्वियसली, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो आप अपने पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी ये बेटर है, आपको ये यूज़ करना चाहिए, ये वो, ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो ऐसे ऐसे ड्रॉप्स गिरा लेने हैं आपको फेस पे ड्रॉपर से, देन उसके बाद टू फिंगर से ऐसे ऐसे मसाज करती हूँ थोड़ा। अगर आप एज अ क्रॉस ड्रेसिंग लाइफ भी चाहते हो, अगर आप सीक्रेट क्रॉस ड्रेसर हो या फिर फुल टाइम क्रॉस ड्रेसर हो, तो आपको मतलब फेस तो मेंटेन करके आपको रखना चाहिए, क्योंकि जितना हेल्दी फेस होता है ना उतना अच्छा मेकअप होता है। ओके एंड बाय डूइंग क्रॉस ड्रेसिंग मेकअप कितना नेसेसरी है हमारे लिए आपको पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। एंड गाइज, अगर किसी को भी क्रॉस ड्रेसिंग करवानी है, एक्चुअली आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली में किसी को अगर क्रॉस ड्रेसिंग करवानी है तो वो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। ओके ओके गाइस, तो यही तक था मेरा रूटीन। जो भी मैं फेस अप्लाई करती हूँ ना, सिर्फ इतना ही करती हूँ। अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए। आज मैं अकेली हूँ, घर पे कोई भी नहीं है, तो मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। और मेरे को कमेंट में बताना कि किस किस को अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी हम आ गए किचन में, निकालते हैं, देखते हैं आंटी क्या बना के गई हैं। तो मैंने तो बोला था कि सिर्फ रोटी सब्जी बनाना, क्योंकि मेरा पेट बहुत निकल चुका है, तो मैं चावल बंद कर रही हूँ। तो ये रही रोटी, इसमें आई थिंक पत्ते गोभी की सब्जी है। ओके एंड ये बनी है हमारी खीर। अभी देखो, मेरे को इसके ऊपर का जो टैंक होता है, पानी ख़त्म हो गया था मेरा, तो टैंक वहाँ पे अभी ला के पड़ा हुआ है, मेरे से वो उठ तो रहा नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, जब रमन आएगा तब तो उठाएगा। अभी मैं क्या करूँ क्या करूँ। ओके तो हम इसमें पानी भर लेंगे, फिर डाल देंगे बॉटल में। चलो है की पागल। तो अभी इसको पहले उधर लेके चलते हैं किचन के पास, फिर पानी भर के मिलते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा सिंपल सा खाना, रोटी सब्जी पत्ते गोभी की, ये खीर कल मैंने बनाई थी, और ये दही, और वो हमारी टी, जिसे कि अब मैं करूँगी प्ले, क्योंकि तो बिना कार्टून देखे तो मैं खाना खाने से रही नहीं। तो यहाँ पे शाम हो गया, इवनिंग हो गया, इवनिंग नहीं रात ही हो गया, 8 बज गया एंड आ गया ये, अभी तक नहीं था तो मैं बोर हो रही थी ना, तो अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं। ये लेके आया बाहर से, आए तो अभी दिखाते हैं क्या लेके आया। ओके क्या हुआ, तुम्हें भी खाना है क्या? ये तो पहले बेड पे आके बैठ गई, इसे भी खाना। हम ना नीचे आके बैठे दूसरे रूम में कूलर लगा के, क्योंकि इधर बालकनी है तो इधर से ठंडा हवा आता है ना, इसलिए। देखो प्लेट लेके आ गया, अब हम खाएंगे। मैं दिखाती हूँ क्या है, और इसमें चाय है। और ये मैडम पहले बैठी हैं खाने के लिए, चलो निकालो गाइस। ये देखो हमारा इवनिंग स्नैक्स, समोसा और चाय। ये समोसे आम समोसे नहीं है। ओके मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या भरा हुआ है।
तो इतना बड़ा बड़ा, इसको देखो, लाल चाह लप लप लालची। एक 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 तो फोड़ देखो गाइस, इसके अंदर क्या निकलेगा। ये देखो, ये क्या नूडल वाला है ना। ये देखो, इसके अंदर नूडल्स, नूडल समोसा कौन कौन खाया है। और इसके अंदर है पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। और इसके अंदर तीन नूडल्स, अच्छा नूडल ही है। दो समोसा दो रंग का, किसी आलू किसी में नहीं है। चलो फिर खा के मिलते हैं, बाय बाय।